और बाबा भगात रहे हमार बहन के क्या तो नंके बड़ू कहे जा करो। मेरी बहन इस जिले की बहन हर रोज ऐसी ही नंगी होती है और हर रोज हम उसको देखते हैं, हर रोज उसको देखते हैं ऐसी ही नंगी होती हर रोज सड़कों पर खेतों में गलियों में। इस बहन का हमने अभी मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक बनाया क्योंकि ये बकरी है, क्योंकि ये जानवर है। हम तब क्यों नहीं मजाक बनाते हैं जब हमारी बहन हमारे घर की औरत महिला वो जाती है अपना पेटीकोट उतारती है, अपने नीचे के कपड़े उतारती है और अपना बिछौना दिखाती है, तब क्यों नहीं हमें शर्म आती है, तब क्यों नहीं मजाक बनाते हैं मजाक का। ये आजादी की लड़ाई जैसे हमने लड़ी थी वैसे ही स्वच्छता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने आप को शर्म में लाना पड़ेगा, अपने आप को जलील करना पड़ेगा। क्या फर्क रह गया हमारी बहन में और हमारी इस बकरी बहन में? ये भी बिना कपड़े के रहती है और शौच करती है, और वो मेरी बहन जो कपड़ा पहनती है वो तो इससे भी खत्म है कि कपड़ा पहनती है लेकिन शौच करने के लिए सबके सामने अपने कपड़े उतारती है। यदि इस बात को हम समझा पाए बक्सर की एक एक जनता को और खास करके महिलाओं को, खास करके किशोरियों को, महिलाओं को तो फिर भी आवाज होती है, आप सब लोग शादीशुदा महिलाओं की तो फिर भी आवाज होती है, वो तो अपने पति से अपने किसी ना किसी से कह सकती है कि आपने सोचा है कि हमारी जो नवयुवतियां है 15 से 20 साल की जो अविवाहित किशोरियां हैं उसकी कोई आवाज होती है? हम स्कूलों में जाते हैं छोटे बच्चों से पूछते हैं, छोटे बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर हमारे यहाँ तो शौचालय नहीं है, ठीक है हम मम्मी पापा को बोलेंगे। जब हम 15-16 साल की नवी 10वीं क्लास की बच्चियों से पूछते हैं उसकी जुबान बंद रहती है क्योंकि उसे पता है कि हम सर को झूठ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम अपने घर में अपने माँ बाप से भी नहीं बोल सकते। तो उसके बारे में हमने सोचा यदि हमें अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपने परिवार का सम्मान चाहिए तो शौचालय चाहिए।